नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप बाजार। सियासत का सफर कैसा होता है, जाहिर है काफी टेढ़ा मेढ़ा होता है, राह आसान नहीं होती और जब माहौल चुनावी होता है, बयार सियासी तौर पर बहती है, तो फिर सियासत करने में मजा भी आता है। और ऐसे ही हालात हैं इस वक्त पंजाब चुनाव के, जहां राजस्थान के एक सितारे यानी सचिन पायलट तो लगातार सक्रिय है ही, वहीं अब खबरें ये भी हैं कि सूबे के मुखिया अशोक गहलोत भी कल पंजाब दौरे पर रहेंगे। जनाब, चुनावी जलसा चल रहा है और चार दिन बाद यहां वोटिंग होनी है। दरअसल कांग्रेस ने इस वक्त पंजाब के लिए ये पूरी तरह सोचा हुआ है कि वो यहां अपने हाथ को पूरी तरह मजबूत करेंगे। हालांकि यहां पहले कई तस्वीरें सामने आई थी, सियासी जद्दोजहद भी हुई थी, लेकिन इस वक्त कांग्रेस आलाकमान प्रियंका गांधी ने भी पंजाब में मोर्चा संभाला हुआ है और उनकी तेज तर्रार नजरें इस वक्त उन नेताओं पर भी हैं जो पंजाब चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथों में थामे हुए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान के दो बड़े सियासी सितारों की, यानी सूबे के मुखिया अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की। अब देखिए, यूपी के पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस ने राजस्थान से तीन नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया, जिसमें गहलोत और पायलट का नाम भी शुमार था। लेकिन वक्त का तकाजा देखिए, पायलट ने यूपी की गलियों में लोगों से कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वोट देने की अपील की। प्रियंका गांधी भी उनके साथ उस वक्त थी और उस वक्त उम्मीद जताई जा रही थी कि सूबे के मुखिया अशोक गहलोत भी यूपी जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल यूपी में कांग्रेस के नाजुक हाथ को देखते हुए हो सकता है कि गहलोत ने वहां ना जाने का फैसला लिया, या वजह कोई और हो सकती है। खैर, वो बात अलग है। लेकिन अब बात जब पंजाब की चल पड़ी है तो गल यही कि यहां पायलट के साथ ही अब गहलोत साहब भी कांग्रेस का प्रचार करेंगे। यहां एक ही चरण में यानी 20 फरवरी को वोटिंग होनी है। अब देखिए, बात जब सियासत की होती है तो कई बार कई वो तस्वीरें भी सामने आ ही जाती हैं जिन पर चर्चाएं हो जाती हैं। अब खबर है कि गहलोत साहब तो कल पंजाब जाएंगे, लेकिन सियासत की कहानी देखिए, सचिन पायलट ने आज ही यानी गहलोत के पंजाब पहुंचने से एक दिन पहले ही कांग्रेस आलाकमान प्रियंका गांधी से मुलाकात कर ली। अब चाहे मुलाकात का वक्त जो भी रहा हो, लेकिन कम वक्त में भी कई बार मुद्दे की बातें कर ली जाती हैं। और खबरें यहां ये भी हैं कि कम वक्त में मुद्दे की भी कई बातें हुई, केवल पंजाब ही नहीं बल्कि राजस्थान को लेकर भी। और राजस्थान को लेकर क्या बात हो सकती है, अगर आप भी राजस्थान की सियासत में थोड़ी बहुत दिलचस्पी रखते हैं तो आसानी से समझ सकते हैं। अब गहलोत का पहले यूपी से कन्नी काट जाना और अब पंजाब जाना, आखिर सियासी कहानी में कौन सा पन्ना जुड़ता है, समझा जा सकता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जब राजस्थान कांग्रेस के दो कद्दावर नेता पंजाब में हो, और हाँ ये केवल अकेले ही नहीं राजस्थान से, इनसे पहले पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी भी तो राजस्थान से ही वहां पहुंचे हैं, तो अब इन तीनों नेताओं की तिकड़ी आखिर पंजाब में क्या गुल खिला सकती है, आसानी से समझा जा सकता है। और ये केवल हम या आप ही नहीं बल्कि कांग्रेस आला कमान प्रियंका गांधी भी खूब समझती है। खैर, देखना होगा कि अब चुनाव नतीजों में आखिर पंजाब में किसकी बल्ले बल्ले होती है और इन तीनों नेताओं की तिगड़ी पंजाब में कौन सा कुल खिलाती है। नमस्कार।